हाँ, अभी टाइम हो गया है इंडिया में 11:29 PM एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 11:29 हो गया है एंड अभी FOMC का मीटिंग है आज, तो उसका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का लिखा हुआ है, तो 11:30 को ये न्यूज़ आएगा। तो देखते हैं क्या न्यूज़ आता है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उसका क्या इफेक्ट मिलता है हमें। यहाँ पे ये है नज़डा, यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। ये है स्टैंडर्ड एंड पुअर, डाउ जोन्स, गोल्ड का प्राइस में क्या आता है, गोल्ड ऑलरेडी गिरने लगा है एंड ये है यूएस डॉलर जो कि उठ रहा है ऑलरेडी। तो अभी 1 मिनट है, 1 मिनट के लिए कम ऐसा है, तो देखते हैं क्या न्यूज़ आता है एंड इसका क्या इफेक्ट होता है मार्केट में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़ आ चुका है एंड इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, 3.25 हो गया, यानी कि 0.75% से यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है। अब देख सकते हैं नजराक में, ये नजराक है, नजराक में कैसा फॉल आया है, स्टैंडर्ड पोर्स में कैसा फॉल आया है आप देख सकते हैं, डाउ जोन्स में आप देख सकते हैं कैसा फॉल आया है, गोल्ड में भी अच्छा खासा फॉल आया होगा, गोल्ड में देखिए कितना लंबा फॉल आया है इमीडिएटली एंड यूएस डॉलर कितना ऊपर जा चुका है। तो ये इंटरेस्ट रेट का पूरा कमाल है, जो भी इफेक्ट आया है पूरा इंटरेस्ट रेट की वजह से आया है। हे दिस इज केतन अग्रवाल, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। पहला तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस वक्त स्टॉक मार्केट नीचे क्यों गिर रहा है, क्या हो रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में एंड पूरे ग्लोबल स्टॉक मार्केट में। दूसरा आपको मैं ये बताऊंगा किस तरह से अदानी ग्रुप इंडिया में सबसे प्रॉफिटेबल एंड सबसे बड़ा सीमेंट का बिजनेस प्लेयर बन सकता है। एंड तीसरा मैं आपको बताने वाला हूँ नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के बारे में, जिसका अनाउंसमेंट रिसेंटली श्री नरेंद्र मोदी ने किया था एंड किस तरह से नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इंडिया का पूरा फ्यूचर बदल सकता है, किस तरह से इंडिया का एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ सकता है, किस तरह से नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो एंड स्टॉक मार्केट को लर्न करना पसंद करते हो, आपका पैशन है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आपके लिए काफ़ी लर्निंग हो सकती है आज की इस वीडियो में। एंड अगर आप नए इन्वेस्टर हो, स्टॉक मार्केट में नए नए हो, तो आपको तो ये वीडियो जरूर ही देखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। इस वक्त इंडियन स्टॉक मार्केट और ग्लोबल स्टॉक मार्केट में हमें काफ़ी ज़्यादा फॉल देखने को मिल रहा है एंड इसका मेजर कारण मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो देखो दोस्तों, इस वक्त हो क्या रहा है कि यूएसए में एंड इंडिया में इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ता हुआ जा रहा है, तो बीच में थोड़ा सा कंट्रोल होने लगा था, 2 मंथ इन्फ्लेशन में हमें फॉल देखने को मिला था यूएस में भी और इंडिया में भी, बट अगस्त मंथ का इन्फ्लेशन वापस से बढ़ गया है इंडिया में भी एंड यूएसए में भी। तो बेसिकली उनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला है। तो देखो, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है किसी भी कंट्री में, तो वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट या तो जो रिजर्व बैंक होती है वो क्या करती है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले मीटिंग, फेड का जो आने वाला मीटिंग है 21 सितंबर को, तो वहाँ पे फेड हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट यूएस में 75 बेसिक पॉइंट से इंक्रीज कर दें एंड इस वजह से स्टॉक मार्केट में काफ़ी फॉल आ रहा है यूएस के मार्केट में एंड इंडिया के मार्केट में भी। एंड ऐसा भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आरबीआई आने वाले मीटिंग में 30 सितंबर को जो इंडिया में मीटिंग है आरबीआई का मॉनिटरी पॉलिसी का, तो हो सकता है कि आरबीआई रेपो रेट को 0.5% से इंक्रीज करे इंडिया में भी। तो देखो, जब यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ऐसा भी होता है कि एफआईआई इंडिया से फंड को हेवीली विड्रॉ करते हैं क्योंकि वहां पे उनको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है एंड इस वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी फॉल आ सकता है आने वाले टाइम में। बट मुझे लगता है कि ये फॉल शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, लॉन्ग टर्म में तो एनीवेज सबको ऊपर ही जाना है। एंड दूसरा सबसे बड़ा चीज़ क्या हो रहा है इस वक्त कि आईटी स्टॉक्स में हमें काफ़ी फॉल देखने को मिल रहा है। तो पिछले 2 साल में आईटी स्टॉक्स में बहुत ही अच्छा हमें राइज देखने को मिला था एंड इस वक्त आईटी स्टॉक्स के अंदर क्या हो रहा है कि आईटी कंपनीज के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि उनका रेवेन्यू तो बढ़ रहा है बट प्रॉफिट कम होता हुआ जा रहा है एंड इसका कारण ये है कि कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ लेबर यानी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी हाई हो चुका है सारे कंपनीज में। तो आईटी कंपनीज में जॉब रोटेशन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही इजीली होता है, जॉब स्विचिंग वहाँ पे बहुत जल्दी होता है एंड इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे सैलरी पैकेज बहुत जल्दी बढ़ जाता है आईटी एम्प्लॉयज़ का एंड इसका पूरा नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है आईटी कंपनीज के अंदर इस वक्त। तो आईटी कंपनीज में काफ़ी फॉल आ रहा है इस वक्त, हो सकता है ये फॉल अगले 6 महीने तक और कंटिन्यू रहा है बट लॉन्ग टर्म में तो मुझे पॉजिटिव ही लगता है आईटी कंपनीज को लेकर। तो बट अभी जो आईटी कंपनी में फॉल आ रहा है तो इसका इफेक्ट ऑब्वियसली निफ्टी में भी आ रहा है, तो हमें निफ्टी में काफ़ी फॉल देखने को मिल रहा है। एंड दूसरा, मूडीज़ ने इंडिया का ग्रोथ एस्टिमेट FY23 के लिए कम कर दिया गया है। तो मूडीज़ का कहना था पहले कि हो सकता है कि इंडिया का GDP 8.8% से इंक्रीज हो FY23 में, बट उन्होंने इस टारगेट को कम करके 7.7% कर दिया है। तो ये भी एक बड़ा कारण है फॉल का इस वक्त इंडियन स्टॉक मार्केट में।
एंड दूसरा इंटरनेशनल मार्केट में कॉमोडिटीज का प्राइस काफी बढ़ता हुआ जा रहा है, जैसे कि निकल हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, सारे कॉमोडिटीज का प्राइसेस में हमें बढ़ोतरी दिखने को मिल रहा है, तो जो कि अगेन इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है इंडियन मार्केट में। तो अब मैं अदानी ग्रुप के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। अदानी ग्रुप ने जो सीमेंट के बिजनेस को एक्वायर किया है, अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी सीमेंट का बिजनेस को, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आज। तो गौतम अदानी का कहना है कि आने वाले टाइम में करण अदानी सीमेंट के बिजनेस को हैंडल करेंगे, एंड इस वक्त जो करण अदानी है वो अदानी ग्रुप का पोर्ट का बिजनेस को भी हैंडल करने लग रहे हैं। एंड पास में करण अदानी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है पोर्ट बिजनेस में, तो हो सकता है कि वो अपना चमत्कार अपने सीमेंट के बिजनेस में भी दिखाए। तो बेसिकली अदानी ग्रुप ने एसीसी सीमेंट एंड अंबुजा सीमेंट को 6.5 बिलियन डॉलर्स में एक्वायर किया है। तो यहाँ पे जो सीमेंट बिजनेस होता है, तो सीमेंट बिजनेस में सबसे बड़ा जो कॉस्ट होता है ना, वो एनर्जी का कॉस्ट होता है एंड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक का कॉस्ट होता है। एंड यहाँ पे अदानी ग्रुप का एक बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज है एनर्जी कॉस्ट को लेके। तो अदानी ग्रुप का ना खुद का ग्रीन एनर्जी का बिजनेस है, एंड हो सकता है कि अदानी अपना ग्रीन एनर्जी का बिजनेस को यूज करे सीमेंट के बिजनेस में भी, एंड यहाँ पे उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में काफी फायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी में एनीवेज एनर्जी कॉस्ट काफी कम है, एंड इस वजह से सीमेंट का प्रोडक्शन भी काफी कम हो सकता है, एंड यहाँ पे इस वजह से कंपनी को हो सकता है कि कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिले। तो देखते हैं अदानी ग्रुप यहाँ पे क्या चमत्कार करती है अपने एनर्जी बिजनेस से। एंड दूसरा, अदानी ग्रुप का खुद का पोर्ट का बिजनेस है, तो यहाँ पे कंपनी को आसपास के कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना काफी इजी हो जाएगा, सस्ता पड़ सकता है, क्योंकि अदानी ग्रुप का खुद का पोर्ट है। तो देखते हैं अदानी ग्रुप कैसे अपने बिजनेस इंटीग्रेशन को यूज करती है अपने सीमेंट के बिजनेस को ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाने में। तो ये कुछ अदानी ग्रुप से रिलेटेड मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता था। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट एक न्यू पॉलिसी के साथ आई है, जिसको बोलते हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। और उसी का एक स्वरूप है आज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लगेज एक जगह से दूसरी जगह पर चीते की स्पीड से जाए, देश उसी तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ये पॉलिसी के साथ क्यों आई है, इसका क्या लॉजिक है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो, इस वक्त हो क्या रहा है कि जो इंडिया है एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनता हुआ जा रहा है, एंड इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों बन रहा है? एक प्रकार से भारत मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है, दुनिया के मन में स्थिर हो रहा है। तो देखो, कोविड के पहले क्या सीन था कि सारे कंट्रीज चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे उनकी मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट के लिए, या तो वो सुई जैसा छोटा सा सामान हो या तो एक बहुत ही बड़ा मशीन हो, सारे के सारे कंट्रीज चाइना में हेविली डिपेंडेंट थे। छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, हर प्रकार की कंपनी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो कोविड के टाइम में क्या हुआ, सारे कंपनीज को काफ़ी इफेक्ट देखने को मिला, क्योंकि चाइना में कोविड सबसे ज़्यादा था एंड वहाँ पे प्रोडक्शन काफ़ी इफेक्ट हो गया था, एंड उसका डायरेक्टली इफेक्ट कंपनीज के अंदर आने लगा। तो उसके बाद से सारे कंपनीज ने डिसाइड किया है कि वो चाइना प्लस वन पॉलिसी रखेंगे, यानी कि चाइना में तो अपना मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे बट उसके साथ साथ एक दूसरे कंट्रीज़ में भी अपना मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट करेंगे। तो दूसरे कंट्रीज़ जैसा कि इंडिया, वियतनाम, फिलीपींस, ये सारे कंट्रीज़ के अंदर अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है हमें, एंड एप्पल जैसा कंपनी भी इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुका है, एंड बहुत सारे अलग अलग कंपनीज एंड सेमी कंडक्टर जैसा प्रोडक्ट भी इंडिया में बनाने का प्लान चल रहा है। तो इंडिया बेसिकली एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनता हुआ जा रहा है, एंड इंडिया को इस डायरेक्शन में अगर सक्सेस होना है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है चाइना की तरह, तो इंडिया को इसके लिए कुछ कुछ पॉलिसीज, स्ट्रांग पॉलिसीज बनाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो तो कंपनीज को भी काफ़ी फायदा मिले, ताकि एफडीआई को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए, ताकि इंडिया का एडवांटेज रहे वियतनाम, फिलीपीन जैसे कंट्रीज़ के ऊपर, एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में शिफ्ट हो ना कि उनके कंट्रीज के अंदर। तो इंडिया नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के साथ आई है, जहाँ पे इंडिया का ये टारगेट है कि अपने लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट को 50% से कम किया जाए। देखिए, 13-14% की लॉजिस्टिक कॉस्ट के लेवल को हमें जल्द से जल्द, हम सब ने मिल करके उसको सिंगल डिजिट में लाने का लक्ष्य रखना ही चाहिए। अगर हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है तो ये एक प्रकार से लो हैंगिंग फ्रूट है जी। तो इंडिया का एट प्रेजेंट जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होता है जीडीपी कंपैरिजन में, वो 13-14 या 16% तक भी चले जाता है, जिसको कि इंडिया का प्लान है सिंगल डिजिट में लेके आना, 8-9% तक लेके आना।
तो एक बार इंडिया का जब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाएगा तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा हमें एक्सपोर्ट मार्केट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वक्त इंडिया में क्या होता है कि वो कोई भी एक्सपोर्ट तो करना चाहता है बट उनका कॉस्ट डिसएडवांटेज के चलते उनका अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट का मिस हो जाता है, क्योंकि दूसरे कंट्रीज के अंदर लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट कम है तो ऑब्वियसली उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होता है एंड उनको ग्लोबल मार्केट में एडवांटेज मिलता है। तो अस पर 2016 HSBC रिपोर्ट इंडिया का जो स्लो डाउन देखा गया एक्सपोर्ट में उसका 50% रीज़न हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को बताया गया है। तो गवर्नमेंट अब इस इशू को रिसॉल्व करने में ध्यान दे रही है एंड काफ़ी अच्छी पॉलिसी के साथ आई है। तो गवर्नमेंट का प्लान है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस बनाने का, जिससे सारा लॉजिस्टिक्स का जितना भी सर्विसेज होता है वो एक प्लेटफॉर्म के अंदर लाया जा सके। उससे एक तो कॉस्ट कम हो जाएगा, दूसरा इजी टू यूज़ हो जाएगा एंड सारा का सारा काम काफ़ी आसान से हो जाएगा। तो गवर्नमेंट लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट को कम करने के लिए ज़्यादा फोकस रेलवेज में कर रही है एंड वाटरवेज में कर रही है। तो गवर्नमेंट का धीरे धीरे ये टारगेट है कि रोडवेज से ट्रांसफ़र हो जाए वाटरवेज में एंड रेलवेज में। अब रेलवेज में ट्रांसफ़र होने का दो फायदा हो सकता है, एक तो कॉस्ट कम हो जाएगा क्योंकि रेलवेज चलता है इलेक्ट्रिक से एंड रोडवेज चलता है पेट्रोल एंड डीजल से, एंड इसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बढ़ जाता है एंड जैसे जैसे रोडवेज से ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रिक में तो ऑब्वियसली इंडिया का क्रूड ऑयल का कंजम्पशन कम हो जाएगा, जो कि इंडिया के लिए इनडायरेक्ट बेनिफिट है। एंड दूसरा सबसे बड़ा फायदा एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलवे ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। तो इस वक्त गवर्नमेंट रेलवेज को डेवलप करने के लिए एक नया लाइन पूरा कंट्री के अंदर बिछा रही है ताकि पैसेंजर व्हीकल एंड लॉजिस्टिक्स का मूवमेंट दोनों अलग अलग लाइन में पैरेलली हो सके। इससे क्या होगा कि एक तो कॉस्ट कम हो जाएगा एंड दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो सकेगा। तो एट प्रेजेंट जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है वहाँ पे 60% मूवमेंट रेलवे से होता है जबकि इंडिया का सिर्फ 30% मूवमेंट होता है रेलवे से। एंड इंडिया का इतना अच्छा नेटवर्क है रेलवे नेटवर्क, उसके बाद भी इंडिया का रेलवे से मूवमेंट सिर्फ 30% है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे अच्छा काम करने लग रही है, यहाँ पे काफ़ी ध्यान दे रही है। दूसरा अगर वाटरवेज का बात करोगे तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी अच्छा काम करके दिखाया है। गवर्नमेंट का एवरेज टर्न अराउंड टाइम कंटेनर का 26 आवर्स में आ गया है कंपेयर टू 44 आवर्स। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी अच्छा एफिशिएंसी ला के दिखाया है। तो देखो ये जो भी पॉलिसीज है इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें एम्प्लॉयमेंट में देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखने को मिलेगा, एक्सपोर्ट मार्केट में देखने को मिलेगा। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट 40 एयर कार्गो टर्मिनल बनाई है जहाँ से सिर्फ कार्गो का मूवमेंट किया जाएगा, वहाँ से पैसेंजर का कोई मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्गो के मूवमेंट के लिए रहेगा वो टर्मिनल। दूसरा गवर्नमेंट 30 एयरपोर्ट्स में कोल्ड स्टोरेज का फैसिलिटी प्रोवाइड की है। दूसरा गवर्नमेंट 35 मल्टी मॉडल हब सेटअप कर रही है पूरा कंट्री के अंदर ताकि गुड्स का मूवमेंट फास्ट हो सके, एफिशेंटली हो सके। तो अस पर इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 अगर इंडिया का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 10% से कम हो जाता है तो इंडिया का एक्सपोर्ट डायरेक्टली 5 to 8% से इंक्रीज हो जाएगा। एंड इंडिया का यहाँ पर टारगेट है अपने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को 50% से कम करना है, यानी कि हम एक्सपोर्ट में 30 to 40% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 5-7 सालों में। तो इसका काफ़ी फायदा होगा इंडिया को। एंड एट प्रेजेंट वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का रैंकिंग 44 है। तो इस रैंकिंग में हमें आने वाले टाइम में ज़रूर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा एक बार इंडिया का लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट कम हो जाए तो। एट प्रेजेंट इंडिया डेवलपिंग कंट्री से कम्पीट नहीं कर रही है बल्कि डेवलप्ड कंट्री से कम्पीट करने लग रही है। तो इंडिया भी जल्द ही एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है इस टाइप के पॉलिसीज के वजह से। एंड सबसे बड़ा फायदा इस टाइप के पॉलिसी से एक तो इंडिया का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, FDIs इंडिया में हेविली आने लगेंगे, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली कंपनीज को इसका डायरेक्ट फायदा देखने को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन होगा एंड जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा ऑब्वियसली कंपनीज का प्रॉफिट्स एंड सेल्स बढ़ेगा एंड ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा आने वाले 5-7 सालों में। तो ये था इंडिया का नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की यह वीडियो काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कृपा करके बेल आइकन दबा देना। चलिए चलता हूँ, अब दोबारा मिलूंगा अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय, टेक केयर, एन्जॉय।